मेरे मंत्र सुनने से आपको सुख शांति आराम मिलता है, दर्द पीड़ा बुरे सपने रक्त बहना भूत प्रेत आत्मा इसमें अगर संतुष्टि मिलती है तो आप मेरे पास आए। हे मेरी माँ लीलांचल पर्वत पर विराजमान होने वाली ओ मेरी माँ शक्ति की दाता दसौ विद्याओं में आपको नमन करता हूं। माँ कामाख्या छिन्मस्ता पीताम्बरी बगलामुखी मतांगी धुमावती माँ भुवनेश्वरी सौरसी भैरवी माँ उमानंदम माँ तारा भुवनेश्वरी माँ काली भद्रकाली मेरी माँ कालका के नब्बे रूपे नब्बे नामों से जागृत होने वाली महाकाल महाशक्ति महामाया माँ मुंडमाला वरणमाला मैया रानी जब मेरी पहन के निकली तो ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इंद्राणी मेरी माँ कालका जी की सुंदरता का वर्णन नहीं कर पाए। हे पराशक्ति आपका भेष तीनों लोकों में विख्यात हो गया, माँ प्रचलित हो गया, लोगों के कष्टों को हन्ने लगा। मेरी मैया की जिब्या और मुंडमाला में लाखों गुण समाए, मेरी मैया की जिब्या के जो दर्शन कर लेगा, मुंडमाला वरणमाला को जो निहार लेगा, मेरी मैया के चरणों में ध्यान लगा लेगा, मेरी माई के नाम से जुड़ जाएगा, मेरी माँ का नाम अगर उसके कानों में भी पहुंच जाए तो उसको मेरी माँ आय से बलाय से ओना से टोना से दुख से दर्द से हारी से बीमारी से भूत से प्रेत से करे से दरे से नजर से गुजर से ओ माँ हर कष्टों का निवारण करती हैं। मेरे मैया के दरबार में जिसकी अर्जी लग जाती है कभी उसको मिथ्या नहीं जाती। वो मेन मंत्र है लास्ट का, ओम कागा काली का नमा, ओम कागा काली का नमा। अगर ये दीपक हर शुक्रवार सोमवार को माई का जलाता रहा, माई की जिब्यार मुंडों की माला को नजर करते, अरे भैया दुखों से तो वो वैसे ही दूर हो जाएगा। ओम कागा काली का नमा, ओम कागा काली का नमा, ओम कागा काली का नमा। हे माँ ये दीपक ज्योति मेरा स्वीकार करो, मेरे परिवार मेरे जीवन में उजाला करो। महाराज जी अभी आपने एक चीज बताई थी मुझे कि जो शमशान में सब है उस पर चावल पकाने वाली बात है, उसको शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज में है उसको सब साधना बोलते हैं जी। तो वो सब साधना क्यों करनी जरूरी है और अगर उसको करते हैं तो उससे क्या क्या जनता के फायदे हो सकते हैं? देखो जिस पे जिंद भूत मसान जो भी भूत परेत परेत बाला है तो उसको आपको ये साधना करना बहुत जरूरी है, वो सर्वश्रेष्ठ साधना है, वो भी भूता योनि में 11:30 से 3 बजे के बीच में। जो शमशान में तो दिन में भी रहते हैं शाम को भी रहते हैं, मगर जो भूता योनि जागृत होती है 11:30 से 3:10 तक, ये इसमें अगर रात को शिव शक्ति चले जाते 1:05 पे 1:10 पे आप हड़िया पकाइए और इसमें आपको सब हाली हमाली सब वो सब मंत्री संतरी रह जाते हैं और बड़े देवों के देव महादेव और शक्ति वो चले जाते अपना भोग प्रसाद लेके। तो इनके लिए हाली हमालियों के लिए अगर चावल दही जो भी आपको भोग प्रसाद देंगे ये जागृत है जाएंगे आप पे कृपा करेंगे तो जिस पे आप हाथ रखेंगे वो भूता योनि से मुक्त हो जाएगा। अगर किसी को भूता योनि से मुक्त करना है तो इसको क्रिया करना बहुत जरूरी है और श्रेष्ठ है। कोई भी तांत्रिक अपना जाप करे तो पहले नियम करे और ये जाप होता है ज्यादातर नदी नाले और सर्वश्रेष्ठ है जमुना रानी, क्योंकि जमुना रानी यम की बहन भी है, बाबा वीर बुला की है, ये भी है शनि की ही तो है, एक रूप में सतयुग में तो इसकी बहन बनी और आज इसने माँ को बना ली, माँ बना लिया जमुना रानी को बाबा वीर बुला की ने। सतयुग में तो इसकी बहन बनी थी, आज माँ है, आज ये माँ है। तो ये इसके अगर जमुना किनारे के किनारे अगर बाबा वीर बुलागी का आह्वान करोगे तो बाबा आपको हमेशा छत्र छाया बना के रखेगा और आपको जिस पे भूता योनि को कोई भी बाधा होगी जिस पे आप हाथ रखोगे बाबा का नाम लोगे उसको बाबा मुक्त कर देता है। और बाबा से कभी भी बहुत सारे तांत्रिक लोग कहते हैं कि बाबा सट्टा बताता है बाबा ये करता है, अब जल किस किस रूम में बाबा को ढाल देते हैं, तांत्रिक लोग शमशान में बैठते हैं आते चलो भाई शमशान में बाबा बैठा है वहां उससे सट्टा पूछ ले, 5 नंबर बाबा ने दे दिए इसको 5 नंबर दे दिए उसको 5 नंबर दे दिए उसको, अब उसमें 20 आदमी को नंबर बांट दिया, एक आदमी का आ गया, एक ही आदमी ने 40 आदमी को खबर कर दी कि शमशान में बाबा ने मेरे को सट्टा दिया है। अरे बाबा को पैसे की जरूरत नहीं है, बाबा भी तो लगा सकता है। तो कभी भी मैं सटोरियों से कहता हूं भैया घड़ा धड़ा पड़ा ये सब नसीब का खेल है, जब मिल जाएगा तो तुमको चौरे में ही मिल जाएगा। क्या बाबा को पैसे की जरूरत नहीं है? क्या बाबा झोपड़ी नहीं बना सकता है? तो ये
तंत्र लोग सब भयभीत करते हैं इंसान को कि चले जाओ वहां शमशान में बाबा बैठा है वो नंबर देगा। अरे भैया घड़ा धड़ा पड़ा सब नसीब से मिलता है, कहीं आप अपना पैसे का दुरुपयोग नहीं करें, अपनी गृहस्थी का पालन करें, मेहनत पर विश्वास करें, मेहनत करोगे तो आपको कल कामयाबी मिल जाएगी। एक तरह से कहे तो अपनी दुकान यानी ठग विद्या चालू। जय हो जय हो जय हो जय हो। और इन ठग विद्याओं से मैं दूर हूँ, मेरे पास भी आते बाबा सट्टा बता दो मेरे भैया मेरे पैसे को, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मैं अभी कागज तो 1 लाख का लगा दूंगा आ जाएगा, मैं जीवन भर खाऊंगा आराम से, किसी को जरूरत नहीं मूड़ मारने की। तो घड़ा धड़ा पड़ा भैया इस चीज के लिए मन जाइए, मेहनत पे भरोसा करे, जब मिलेगा तो नसीब छप्पर फाड़ के कोई दे जाएगा कि हाँ भाई ये कर दे तो वो आ जाता है इस समय लोग। अच्छा महाराज एक छोटा सा सवाल और है, लास्ट सवाल मैं यही पूछना चाहूंगा, जनता के ऐसे कुछ कमेंट आए मेरे पास में जो कि कहते हैं हम महाराज जी के पास में गए, वहां हमने इलाज कराया लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ, और कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है ना, और जिनको फायदा नहीं हुआ वो तो ये कह रहे हैं कि महाराज जी जो कर रहे हैं वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो इनके क्या सॉल्यूशन कह सकते? देखो देखो सुनो, ऐसा है मैं सबसे कहता हूं कि भैया कहीं भी किसी भी ढोंग दतूरा में जाइए, किसी के हाथ धरने से, किसी के रास्ते बताने से हमको आराम और सुख शांति मिलता है 40-50%, तो वहां आप जाइए उसके नियम के पास और उसके मतलब जहां पर बाबा हमको आराम मिल गया 50% हमारा कार कर दो। तो मैं पहले माई से यही कहता हूं कि माँ पहले इसको आराम दे दे, अगर आराम दोगे तो मैं इसकी शुद्ध खून पसीना ही कमाई से जो पान फूल मेवा है उसको मैं खिलाऊंगा। अब उसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो मैंने 1000 रुपए का खर्चा बता दिया, इसमें 400, 300, 500, 30%, 40%, 50% तो मैं माई को अर्पण करता हूं, बाकी मेरे पेट में जाता है, मैं भी तो बैठा हूं। सही बात है। क्यों कि अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं अपने बच्चों को कमाने में गृहस्थी हूं, शमशान का हो रही जरूर लूं, मगर गृहस्थी हूं, मेरे बच्चे भी है, नाती भी है। बहुत तेरे ये कहते हैं कि नहीं शमशान में ही जाके बाबा जी बन गई, अरे नहीं, गृहस्थी में सर्वश्रेष्ठ जाप होता है मगर हो करने वाला। मैं मुर्दे की राख को अपना चंदन बना के अपने सवेरी मस्तक पर लगा लेता हूँ, घर में मेरे में गृहस्थी में रह रहा हूँ, मेरे नाती भी हैं, बेटा भी है, सब कुछ है, और माँ कालका का मंदिर भी है, वहां क्या मुर्दे की राख मेरे दसेन रखी है, मगर मेरे को तो कुछ होता नहीं। क्यों कि मेरी आस्था है, मेरी माँ का चंदन है, ये मेरी माँ का भभूति है ये। तो मैं ये सबसे यही कहता हूं भैया मेरे पास कभी कोई मत आओ, जो मैंने आपको वो फूल दे रखे हैं उनकी आस्था से अगर आपको रास्ता मिलता है, उनकी आस्था से अगर आपको रास्ता मिलता है, उसको नियम से आपको कामयाबी मिलती है तो मेरे पास आओ, नहीं मत आओ भैया। मेरे शब्दों से, मेरा मंत्र से आपको दुख दर्द पीड़ा मुक्ति होती है तो मेरे पास आओ। अगर एक बार समस्या का समाधान भैया फायदा तो मिला मगर पैसा खर्च के पूरा आराम नहीं मिला तो आप फिर आइए। अगर आपको दुख लग रहा है कि बाबा हमारा पैसा खर्च हो गया, ए भैया मैं अग्नि की कसम खाता हूं अपना पैसा लेके जाओ, मैं किसी की आत्मा नहीं दुखाऊंगा। क्यों कि मेरा 25 साल के जाप में अगर किसी की आत्मा को दुख हो गया तो मेरा जाप के लिए जो मैं रास्ते के लिए जा रहा हूं उस रास्ता मेरे को नहीं मिल पाएगा। मैं दर्शकों से सभी से, मैं मरीजों से सभी से कहता हूं भैया मेरे पास अगर आए और आने से उसको फायदा नहीं मिलता, पैसा भी खर्च हो गया, तो आपको माई के दरबार की कसम है अपना पैसा जरूर लेके जाए। मेरे हाथ धरने से, मेरी रक्षा से, मेरे शब्दों से अगर आपको आराम मिलता है तो आप आओ। मेरा खाली कुछ नहीं है, मेरी तो एक उंगली का कमाल है, अनाम्य कला, ये इस पर सुबह से शाम तक माई की आस्था से और ये धूप बत्ती जलती रहती है, इसी पे को मैं लगा देता हूं। भैया जा तेरा भला हो तो माँ भला करती है, तो भैया माई का एक महाशक्ति का महामंत्र आप जरूर शुक्रवार को दीपक जला के देखे, 3 दीपक के बाद में अब अगर आपको सुख शांति आराम नहीं मिलता है तो माई का नाम ले हो ही मत। सभी दर्शकों से कहूंगा एक बार करके तो देखिए, दीपक जला के तो देखिए, शायद आपको फायदा मिले। जय हो जय। मैं तो ये कहता हूँ महाराज जी की बातों में विश्वास मत करो, मत करो, आप खुद करो ना इस चीज को। 3 शुक्रवार 3 सोमवार दीपक जला के आप खुद देखो, आपको आराम मिले तो आप महाराज जी से संपर्क करें, नहीं मिले तो भैया अपने घर बैठे। और किसी के सियाने मुल्ला मौलवी के ढोंग दतूरा में भैया आमे नहीं, मेरे में भी नहीं आमे, न तो मैं सियाना हूँ, ना मुल्ला हूँ, ना मौलवी हूँ, ना मेरे पास तंत्र है, ना मंत्र है, ना मेरे पास जंत्र है, मेरे पास तो माई की खाली एक आस्था है और कृपा है। अगर आपको दर्शकों, अगर आपको कुछ सुख शांति मेरे शब्दों से मिलती है तो आप मेरे पास आओगे, नहीं भैया मेरे पास मत आना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ।